नमस्कार किसान साथियों, आज हम लोग आए हैं गांव चूड़ी खुर्द में और चूड़ी कला गांव में आए हैं और अपने साथ अपने किसान भाई हैं सुखबीर मुंड। और सुखबीर भाई जो है इन्होंने बिजाई से लेके और अब तक जो नरमा है वो पूरा 100% IPM तकनीक के ऊपर चला रखे है बिजाई से लेके और अब तक। और आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो हमारा मानना ये है कि खेत बिल्कुल एकदम ओके कंडीशन में चल रहा है, लाजवाब फील्ड है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या यहाँ पे किया है वो एक बारी बात करके बताएंगे कि क्या क्या हमने यहाँ पे किया है। राम राम सुखबीर भाई। तो सुखबीर भाई पहले तो अपना फ़ोन नंबर दे दो आप, ताकि कोई भी किसान भाई अगर फ़ोन करके पूछना चाहे तो कम से कम सही जानकारी किसानों तक जाएगी। 8950-13007। ठीक है जी। और कितने एकड़ में कॉटन लगा रखे है भाई? 7 एकड़ में। हाँ जी। 7 के 7 एकड़ में आपने फेरेमोन ट्रैप लगा लिए? हाँ, थे सारम ट्रैप है जी। आज की डेट में फेरेमोन ट्रैप लगे लगभग कितने दिन हो गए जी? लगभग 2 महीने हो गए। लगभग 60 ज्यादा हो गए जी। 60 दिन तो ज्यादा हो गए। और जिस खेत में आप खड़े हैं ये क्या किला का टक है अपना? यो 3 किला में जी। यो 3 किला का है। और इसे 3 किला के टक का बिल्कुल बगल में बछंटी पड़ी है, तो लगभग कितनी पड़ी होगी जी? 100-150 किला की लकड़ी पड़ी है जी। 100-150 किले की। हाँ जी। तो वहाँ से शुरू में मतलब अटैक बने अपने गुलाबी का अटैक। हाँ जी। तो जैसे अटैक बने उस टाइम पर फिर अपने उसको काबू कर लिया। काबू करे। फेरेमोन ट्रैप के अंदर फिड़कली लगभग आन लग रही है या नहीं आन लग रही, क्या पोजीशन है मौके? अभी तो रुकावट में है जी। पहले अब रुकावट में, शुरू में आई, बारिश के टाइम में आई। ठीक है। और जो आपने कपास में पहला जो स्प्रे मारा था वो क्या स्प्रे करा था आपने? जाइडेक्स की नीम ऑयल करी। जाइडेक्स का नीम ऑयल करा था। तो नीम ऑयल के लगभग क्या स्प्रे जाली आपने खेत में भाई? दो स्प्रे हो गए। और बीच में करे जी एक पहला स्प्रे करे। अच्छा, एक पहला, एक फिर उसका बीच बाद में करा था। हाँ, तीसरा स्प्रे फिर दोबारा करा था मतलब? हाँ जी। ठीक है। तो जब इनके खेत में गुलाबी सुंडी का अटैक थोड़ा सा मतलब बढ़ता हुआ दिखा तो उस टाइम पे मजबूरी में हम लोगों को सिंथेटिक पायरेथ्रोइड के ऊपर भी जाना पड़ा था, क्योंकि लगभग काफ़ी एकड़ में मतलब की बछंटियाँ पड़ी है। आज अगर मौके की पोजीशन आप देखोगे, लगभग सारे किसान भाइयों को हालात पता है कॉटन के क्या है, लेकिन अगर आप इन वाले खेतों को आप देखोगे तो पूरा नीचे से लेके और ऊपर तक बिल्कुल कच्चेपन पे कपास चल रही है। लगभग हमने एवरेज टिंडे गिने हैं, एक पौधे के ऊपर अनुमन मतलब जो टिंडा है वो 60 से ज़्यादा ही बन रहा है। और ऊपर का ये जो हिस्सा है इसके अंदर अभी और फल मतलब उठाने लग रहा है, पौधा पूरा खेत जो है वो फल से भरा हुआ है। तो मोटा मोटा अगर सुखबीर भाई आप देखा तो लमसम देखो, बाकी तो क्या होगा वो तो देखो आगे की बात है। आज की डेट में आपने के लागे है मतलब नरमे की के कुछ कहने लग रही पैदावार की? अच्छी पैदावार है जी। पहले तो विश्वास ही को नहीं हो। ठीक है, ठीक है जी। हालात देखे लकड़ियां। हाँ, ठीक है जी। कुल मिला के 20 मण के आसपास की है आज दिल टिके। और इसमें खाद दिया है क्या आपने मतलब रसायन? कोई खाद कौन जी, कोई DAP गेड़ी है? पहले पानी ईब लगाए। अगर पहला पानी ईब लगाया है बस खाली, कोई DAP नहीं, कोई यूरिया नहीं, कोई यूरिया को नहीं, कोई पोटास भी नहीं। की 2 स्प्रे करी है जी। खाली NPK का ऊपर था स्प्रे कराया है, नीचे कुछ नहीं जा रहा, नीचे कोई। तो अगर आप जाइडेक्स के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं या ये जो IPM तकनीक है उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक अभी हमने सरसों का भी परकल्प संजीवनी जो प्रोजेक्ट है वो शुरू कराया है, जिसमें हम लोग गोबर का खाद जो है वो तैयार करवाएंगे। तो सुखबीर भाई ने भी मतलब गोबर का खाद से लेके और अगले प्रोजेक्ट के लिए तैयारियां कर ली है। लगभग कितने एकड़ में सरसम लगेगी सुखबीर भाई? 3-3.5 एकड़ में लगाऊंगा। 3-3.5 एकड़ में लगेगी। और तो नरमा है तो कपास कणक की पैदावार। ठीक है, बाकी मतलब 3-3.5 किले में अपने मस्टर्ड जाऊंगी। हाँ जी सरसों। तो एक चीज का ध्यान रखियो, सरसों की खेती में भी 0 DAP, 0 सुपर, 0 जिंक, 0 पोटास, सिर्फ गोबर का खाद तैयार करें।
एक जरूर हम लोग डलवाएं और वो है सल्फर, क्योंकि तेल वाली फसल है, 2 से 2.5 किलो सल्फर आप डालें पहले पानी का, बाकी उसको वैसे चलने दें भाई। और वैरायटी जो रहोगी वो आपकी मर्जी की रहोगी। तो ठीक है किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत, जय किसान।